समय करवटें ले रहा है। नए सपनों के साथ हम अपने कदमों को मजबूती दे रहे हैं। विश्व एक अधिक सक्षम भारत का उदय देख रहा है। हम सभी मिलकर एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने में लगे हैं। इन बढ़ते कदमों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है कोल इंडिया की अनुषंगी इकाई सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड। कदम दर कदम भारत सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से माननीय प्रधानमंत्री के न्यू इंडिया मुहिम में अपना योगदान करते हुए CCL फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी की ओर अग्रसर है। फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी कोयला खनन और उसके परिवहन के बीच एक ऐसी आधुनिक तकनीक है जिससे त्वरित और प्रदूषण रहित कार्य को अंजाम दिया जाता है। इस तकनीक को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध तरीके से हाल ही में पूरा हुआ लगभग 44 किलोमीटर लंबा टोरी शिवपुर डबल रेलवे लाइन का निर्माण मील का पत्थर साबित हुआ है। इस रेलवे लाइन के निर्माण से कोयला के उत्पादन और प्रेषण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अब CCL अपने मगध एवं आम्रपाली खदानों से निरंतर कोयला उत्पादन कर पा रहा है। प्रतिदिन लगभग 22 से 23 कोल रैक टोरी शिवपुर डबल रेलवे लाइन के द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में प्रेषित किया जा रहा है। इस ट्रैक के निर्माण से जहां एक ओर उत्पादन में वृद्धि हुई है, वहीं पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ रोजगार सृजन में भी सहयोग मिला है, क्योंकि इससे पहले कोयले की ढुलाई सड़क मार्ग से की जाती थी। खदान से राजघर साइडिंग की लगभग 45 किलोमीटर की दूरी तक निरंतर वाहनों के परिचालन से जहां एक ओर प्रकृति पर्यावरण और ग्रामीणों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था, वहीं निकासी कम हो पाने के कारण उत्पादन भी संतोषप्रद नहीं था। अब ये दूरी घटकर लगभग 8 किलोमीटर रह गई है। माननीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम से कदम मिलाते हुए माननीय कोयला मंत्री श्री प्रहलाद जोशी के मार्गदर्शन में CCL फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। CCL के 4 खनन क्षेत्रों मगध, आम्रपाली, नॉर्थ उरीमारी एवं कोलार में इस दिशा में कई कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी के अंतर्गत सभी चारों योजनाओं में कार्य पूरा होने पर कोल खनन और प्रेषण की दूरी घटकर मात्र 1 किलोमीटर रह जाएगी, जिसका सीधा लाभ लाभुकों और ग्रामीणों को प्राप्त होगा। ट्रेन चलने से बहुत तरह का सुविधा हो गया। पहले पूरा रोड जाम रहता था, पूरा डस्ट उड़ते रहता था। अभी ट्रेन चलने से बहुत तरह का प्रदूषण का राहत मिल गया है। CCL का ये जो नई योजना जो आ रही है फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी, उससे लोगों को काफ़ी फायदा मिलेगा पॉल्यूशन से संबंधित, इसलिए कि बेल्ट से जब कोयला का ये जाएगा तो उसे डस्ट रोड में नहीं आएगा, इससे अच्छा फायदा होगा। दरअसल फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी की प्रक्रिया एक अत्याधुनिक प्रविधि है, जिसके लागू होने से कोयले के खनन से लेकर उसके प्रेषण में आमूलचूल बदलाव आएगा। ये एक इको फ्रेंडली तथा प्रदूषण रहित तकनीक है, जिसमें मेरी गो राउंड का प्रयोग करके सड़क परिवहन को शून्य किया जाता है और कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से उत्पाद को सीधे साइलो तक पहुंचाया जाता है। साइलो से ही रैक की लोडिंग की जाती है। इस प्रक्रिया के कारण उत्पादन में तेजी, शून्य प्रदूषण और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, जिससे हम उदयमान भारत के बढ़ते कदमों के साथ कदम दर कदम बढ़ाते चलेंगे। आदरणीय कोयला सचिव भारत सरकार एवं अध्यक्ष कोल इंडिया लिमिटेड के मार्गदर्शन में CCL का उद्देश्य अपनी खनन गतिविधियों में नवीनतम तकनीक के उपयोग कर खान सुरक्षा को 100% सुनिश्चित करने की दिशा में बढ़ते हुए प्राण घातक दुर्घटना रहित खनन का लक्ष्य प्राप्त करना है। पिछले 14 वर्षों की दुर्घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन से यह पाया गया है कि अधिकतम प्राण घातक दुर्घटनाएं पहले माइल में ही होती हैं। फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी के माध्यम से कंपनी इन दुर्घटनाओं को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।
फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी के अंतर्गत CCL की 4 परियोजनाओं में लगभग 1200 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। नई तकनीकों का लेकर दम, बढ़ेंगे CCL के कदम।